स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास थर्ड। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। चलिए बेटा, आज हम लोग का टॉपिक है लेसन 3, मैप्स एंड डायरेक्शंस। मैप्स मतलब होता है नक्शा और डायरेक्शन मतलब होता है दिशा। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को पता है, लेसन स्टार्ट करने से पहले हम लेट्स बिगिन देखेंगे। उसमें देखिए, आपको ये दिया, फाइंड योर वे आउट ऑफ दिस मैप ड्राइव। ये आपको खुद करना है। ये आपको जो है, आपको इसमें अपना वे ढूंढना है, यहाँ से एंटर करना है, यहाँ पे एग्जिस्ट लिखा है, और आपको यहाँ से एंट्री करना है, यहाँ पे एग्जिस्ट करना है, और इसको आप, ये मैथ है, इसको आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है। अब आता है लेट्स फाइंड आउट। लेट्स फाइंड आउट में हमारा पहला टॉपिक है नेबर्स एंड नेबरहुड। अब देखिए, नेबर्स एंड नेबरहुड मतलब क्या होता है बेटा? नेबर्स मतलब पड़ोसी होता है, और नेबरहुड मतलब आपका आस पड़ोस, मतलब अड़ोस पड़ोस, ठीक है। वी डू नॉट लिव अलोन इन अ लोकेलिटी। अगर देखा जाए तो आप अपने लोकेलिटी में अकेले नहीं रहते हो, आपके आसपास बहुत सारे कॉलोनी होते हैं और बहुत सारे लोग आप लोग के साथ रहते हो, है ना। देयर आर मैनी हाउसेज एंड बिल्डिंग अदर नियर आवर हाउस। वही मैंने बताया कि ऐसा तो नहीं है कि आप अपने कॉलोनी में अकेले रहते हो, आप अपने कॉलोनी में बहुत सारे लोग आपके साथ रहते हैं, है ना। बहुत सारे घर आपके आसपास, बहुत सारे घर होते हैं, है ना। पीपल लिविंग इन दिस हाउसेज आर आवर नेबर्स, और उन्हीं को हम नेबर्स कहते हैं। नेबर्स मतलब पड़ोसी होता है। आपके इलाके में जो भी आसपास लोग रहते हैं, वही आपके पड़ोसी होते हैं, ओके। द एरिया अराउंड आवर हाउस इज आवर नेबरहुड, और आपके एरिया, जिस एरिया आपके आसपास के एरिया को ही नेबरहुड कहते हैं, ओके। आवर नेबरहुड इंक्लूड्स ऑल द प्लेसेस अराउंड द हाउस। आपके आपके हाउस के आसपास का जो भी एरिया है, वो सब नेबरहुड में आता है, ओके। अब आता है देखिए, एवरी नेबरहुड हैज़ अ फ्यू फैसिलिटीज सच एज मार्केट, स्कूल, पार्क, बस स्टॉप एंड मेक द लाइफ्स मोर कन्वीनियंट। और ये हम नेबरहुड, जो नेबरहुड है, उनसे हमें बहुत सारी फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करते हैं। जैसे देखिए, जैसे मार्केट हो गया, स्कूल हो गया, पार्क हो गया, बस स्टॉप हो गया, ये सब इनकी वजह से क्या है, हमें बहुत ही कन्वीनियंट है, बहुत ही कन्वीनियंट होता है। और ये क्या है, ये हमारे वर्क को बहुत इजी बनाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, आपके ये लोकेलिटी है, बुक में देखिए पिक्चर्स बना है, ठीक है। इसके आपके घर के आसपास क्या है, स्कूल होते हैं, और बस स्टैंड होता है, और पार्क होता है। तो ये सब हमारे नेबरहुड फैसिलिटी में आते हैं। जैसे देखिए, नेबरहुड फैसिलिटी में हमारा मार्केट आता है। अब देखिए, मार्केट से क्या है, आपकी जो भी, आपकी जो भी चीज़ें, जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हो, वो आप कहाँ से परचेस करते हो, मार्केट जाते हो ना, ठीक है। स्कूल, स्कूल है, स्कूल आप आते हो पढ़ने के लिए, है ना। पार्क है, पार्क में आप शाम को जाते हो वॉक करने के लिए, है ना, गेम खेलने जाते हो। बस स्टॉप है, जहाँ से आप अपने स्कूल जब आते हो तो बस स्टॉप से अपनी बस पकड़ते हो। पोस्ट ऑफिस हो गया, बैंक हो गया, पुलिस स्टेशन, ऑल दीज आर नेबरहुड फैसिलिटी, ओके। अब आता है लेट्स ट्राई वन। इसमें आपको क्या करना है, अब आपको क्या, टिक द फैसिलिटी दैट आर प्रेजेंट इन योर नेबरहुड। अब इसमें आपको ऑप्शन गिवन है, अब इसमें आपको ये बताना है कि आपके इलाके में कौन कौन सी नेबरहुड फैसिलिटी आपको मिल रही है, तो वो आप अपना या खुद से ये वाला करेंगे। अब आता है राइट डाउन एनी अदर फैसिलिटी दैट यू वुड लाइक टू हैव योर नेबरहुड। और इन सब के अलावा और भी जो भी आपके घर में के आसपास जो भी आपको फैसिलिटी मिल रही है, तो वो आप लोग इसमें बताइएगा, ओके। अब आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर नोटबुक। क्वेश्चन नंबर वन, हु आर योर नेबर्स। नेबर्स किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया, पीपल हु लिव नियर आवर हाउस आर कॉल्ड नेबर। वो लोग जो आपके आसपास रहते हैं, जो आपके लोकेलिटी में रहते, आपके लोकेलिटी के आसपास रहते हैं, उन्हीं को हम नेबर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन हाउ नेबरहुड फैसिलिटी हेल्प अस। कैसे नेबरहुड फैसिलिटी हमारी हेल्प करते हैं? तो देखिए, ये चीज़ तो आपको पता चल गया होगा कि मार्केट, हॉस्पिटल एंड बस स्टैंड, ये हमारे क्या होते हैं, नेबरहुड फैसिलिटीज होती हैं, ठीक है। दे मेक आवर वर्क ईजी बाई प्रोवाइडिंग अस थिंग्स एंड हेल्प फॉर द टाइम ऑफ नीड। और ये हमारे काम को क्या आसान बनाते हैं, और ये हमें क्या करते हैं, हमें जो भी हमारी जो भी काम की चीज़ें, ज़रूरत के टाइम ऑफ नीड, जब हमें ज़रूरत के समय, ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे देखो, हॉस्पिटल है बेटा, देखिए हॉस्पिटल, जब आप बीमार होते हो तो आप हॉस्पिटल जाते हो, है ना, तो वही। और जब आपको कोई भी चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें लेनी होती, तो आप कहाँ जाते हो, मार्केट जाते हो, है ना।
When we need things for ourselves, we go to the market. और जब हमें अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेनी होती तो मार्केट जाते हैं. When we fall sick, जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम हॉस्पिटल जाते हैं. And when we want to travel to different place, और जब हमें different place में travel करना होता है तो we go to bus stand, है ना. जब आप कहीं से जाते हो, आपको कहीं जाना होता है तो आप बस स्टैंड पे ही तो जाते हो, वहीं से तो बस पर बैठते हो. तो बस ये टू टेक अ बस पकड़ने के लिए हम बस स्टैंड पे जाते हैं. तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आपकी नेबरहुड फैसिलिटी क्या क्या होती हैं. हॉस्पिटल हो गया, उसके बाद क्या होता है, हॉस्पिटल हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, बैंक हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, स्कूल हो गया, मार्केट हो गया, ये आपकी नेबरहुड फैसिलिटी में आते हैं. चलिए नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन हेल्प अस टू फाइंड द वे. आपको पता होगा डायरेक्शन की हेल्प से क्या है, हमें अपने वे का पता चलता है अपनी, ठीक है. अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है. व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द प्लेस इन अ नेबरहुड वी यूज डिफरेंट टर्म्स लाइक राइट लेफ्ट फ्रंट एंड बैक. अगर हम डायरेक्शन की बात करें, ठीक है, अगर हमें किसी भी प्लेस की बात करें तो अगर देखा जाए तो हम किसी को भी कैसे बताते हैं. अगर सपोज दैट अगर आप किसी को रास्ता बता रहे हो तो आप यही बताओगे ना, यहाँ से राइट मूव करने के लिए, यहाँ से लेफ्ट मूव करने के लिए, है ना. तो ये सब वर्ड का हम यूज़ डायरेक्शन में करते हैं. दीज आर रिलेटेड टू डायरेक्शन और ये हमारे डायरेक्शन से रिलेटेड है. डायरेक्शन हेल्प अस टू फाइंड वेज एंड रीच अ डेस्टिनेशन. मतलब दिशा क्या होता है, ये हमारे रास्ते को खोजने में और किसी भी स्थान तक पहुंचने में ये हमारी मदद करते हैं ना. दिशा की हेल्प से, डायरेक्शन की हेल्प से हम अपने रास्ते को खोज पाते हैं. जो भी रास्ता जो भी इधर जाना हो तो उस रास्ते का हमें पता चलता है और किसी भी स्थान जहां हमें पहुंचना होता है उस स्थान में पहुंचने में हमारी मदद डायरेक्शन करता है, ठीक है. देयर आर फोर मेन डायरेक्शन, सबको पता है फोर मेन डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट. नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ. जनरली वी हैव ऑल्सो सम सिंपल वर्ड टू गिव डायरेक्शन, लेफ्ट राइट अप डाउन फ्रंट बैक एंड डायगनल. और इसे हम जैसे हम बोलते हैं राइट लेफ्ट, जैसे देखिए बुक में देखिए ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है. जैसे देखिए ये हमारा ईस्ट होता है, ये हमारा वेस्ट होता है, ये हमारा नॉर्थ होता है और ये हमारा साउथ होता है. तो जो ईस्ट होता है वो हमारा अप शो करता है और जो वेस्ट होता है वो हमारा डाउन है और ये हमारा लेफ्ट होता है और ये हमारा राइट होता है, ओके. डायरेक्शंस दिए नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, सबको पता है आपके फोर डायरेक्शंस होते हैं, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है. ठीक है, फोर डायरेक्शन हो गए. अब देखिए ये आप पिक्चर देखिए, नॉर्थ ईस्ट लाइज विद नॉर्थ एंड ईस्ट. ये देखिए नॉर्थ ये होता है, ये डायरेक्शन दिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है. नॉर्थ और वेस्ट में ये नॉर्थ वेस्ट है, ये देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में, ये देखिए बीच में नॉर्थ वेस्ट शो कर रहा है, ये भी नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट और ये साउथ वेस्ट, ठीक है. और देखिए अ कॉम्पास इज अ इंस्ट्रूमेंट. कॉम्पास मतलब आपको पता है कॉम्पास क्या होता है, कॉम्पास की हेल्प से हमें दिशा का, हमें डायरेक्शन का पता चलता है, ठीक है. और द GPS ऑन स्मार्टफोन, आपके स्मार्टफोन में GPS होता है और लैपटॉप एंड आईफोन में. ये क्या है, ये मॉडर्न टाइम का मतलब आजकल इसका यूज़ हो रहा है ज़्यादा, पहले नहीं होता था इतना, ठीक है. एंड गिव्स अ लोकेशन इन्फॉर्मेशन और द, ये हमें क्या है लोकेशन बताता है और इन्फॉर्मेशन देता है. नाउ डेज स्मार्टफोन यूज़ GPS टू लोकेट प्लेसेस, ठीक है. और आजकल हम GPS का यूज़ करते हैं अपने लोकेशन का और प्लेस का पता लगाने के लिए. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैंडमार्क. लैंडमार्क देखिए क्या होता है, लैंडमार्क इज़ अ वेल नोन प्लेसेस इन अ लोकेलिटी. ये क्या होता है बेटा, आपके इलाके की मतलब जानी मानी जगह होती है जिससे आपका इलाका जाना जाता है, ठीक है. लोकेल मतलब लैंडमार्क आपके इलाके की फेमस जगह होती है, जानी हुई जगह होती है जिससे आपका इलाका जाना जाता है, ठीक है. इट इज़ अ प्लेस और स्टेशनरी थिंग दैट वन कैन रिकोगनाइज ईजली. और इसकी हेल्प से हम इसी लैंडमार्क की हेल्प से हम उस इलाके में पहुँच जाएंगे. सपोज दैट अगर आपको अपना हमारे स्कूल का किसी को एड्रेस बता रहे हो तो आप बताओगे ट्रैफिक पुलिस स्टेशन से थोड़े से आगे जाएंगे तो आपको स्कूल मिलेगा. तो ट्रैफिक पुलिस स्टेशन हमारे स्कूल का क्या लैंडमार्क है ना. तो वैसे ही इफ देयर इज़ एनी हॉस्पिटल टेम्पल और रेस्टोरेंट योर हाउस देन दे आर लैंडमार्क. अगर आपके घर के आसपास जितने भी स्कूल हैं, पार्क है, पोस्ट ऑफिस, बैंक, ये सब लैंडमार्क में आते हैं, ठीक है. ठीक है, हो गया. फिर उसके बाद आता है देन दे आर लैंडमार्क ऑफ नेबरहुड, दे कैन हेल्प अस टू फाइंड एक्सटर्नल लोकेशन ऑफ द प्लेस. और इसकी हेल्प से हमें किसी भी एरिया में हमें सपोज दैट हमें
मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया अपने स्कूल का, हमें अगर कोई भी पूछे कि राजापुर कहाँ है तो आप उनको यही बताओगे कि ट्रैफिक पुलिस स्टेशन से आप आगे जाओगे तो वो पूरा राजापुर आएगा, है ना। तो ट्रैफिक पुलिस स्टेशन और सेरा जिम, गंगा मेमोरियल स्कूल, सेंट कोलंबस स्कूल, ये जितने भी हैं ये हमारे लैंडमार्क में आएंगे, ठीक है। ये देखिए इसमें लेट्स ट्राई टू में दिया हुआ है, ये अजय का नेबरहुड है, इसमें बोला है लुक एट द पिक्चर राइट डाउन द फैसिलिटी। अब आपको इसे बताना अजय के नेबरहुड में कौन कौन सी फैसिलिटी है। तो देखिए साफ साफ यहाँ पे क्लियर बताया है, हॉस्पिटल, मार्केट, स्कूल, पार्क एंड पोस्ट ऑफिस, ओके। अब फिल इन द ब्लैंक्स में बोला है टू गो टू हैप्पी स्कूल अजय टेक अ राइट टर्न, कौन सा टर्न लेगा, ये राइट टर्न लेगा, ओके। द हॉस्पिटल इज़ ऑन लेफ्ट साइड ऑफ अजय हाउस, जो हॉस्पिटल है वो अजय के घर के किस साइड है, तो लेफ्ट। अब आता है लेट्स ट्राई थ्री, अब इसमें देखिए आपको क्या करना है, लेट्स ट्राई थ्री में आपको क्या करना है, इसमें ये सपोज करना है कि अजय का जो नेबरहुड है वहाँ पे जो सनराइज कर रहा है वो अबव द मार्केट, तो यहाँ पे सन, देखिए मैंने बनाया भी है, यहाँ पे सनराइज कर रहा है, तो यहाँ पे आप ऐसे कॉम्पास टाइप का बना लीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आप बना लीजिए। और बनाने के बाद अब बताना है कि पोस्ट ऑफिस किस डायरेक्शन में, तो ये हमारा वेस्ट डायरेक्शन में, अजय का हाउस नॉर्थ डायरेक्शन में है और अजय का स्कूल है ईस्ट डायरेक्शन, ओके। अब आता है देखिए लेट्स ट्राई फोर में, देखिए आपको क्या करना है, ट्राई एंड शो द डायरेक्शन फ्रॉम स्कूल गेट टू योर क्लासरूम, आपको अपने स्कूल गेट से और अपने क्लासरूम तक का आपको डायरेक्शन बताना है, ठीक है। तो ये आप लोग खुद ट्राई करिएगा। अब आता है लेट्स ट्राई फाइव, इसमें बोला मेंशन आई टू लैंडमार्क्स ऑन द वे ऑफ अजय स्कूल, आप देखिए इसमें अजय का स्कूल है तो आपको उससे पहले के लैंडमार्क बताने, तो ये अजय का स्कूल है उससे पहले क्या क्या आ रहा है, हॉस्पिटल आ रहा है और मार्केट आ रहा है ना, देखिए हॉस्पिटल और मार्केट आ रहा है तो हॉस्पिटल और मार्केट हो जाएगा, ठीक है। और नेम टू लैंडमार्क नियर द फॉलन लोकेशन, यहाँ पे आपको अपने स्कूल और होम का होम को देखकर आपको लैंडमार्क बताने, राइट टू लैंडमार्क नियर द फॉलन लोकेशन, मतलब स्कूल और होम को देखकर के आपको लैंडमार्क बताना है, मतलब आप अपने स्कूल के आसपास का लैंडमार्क बताइए, तो ट्रैफिक पुलिस स्टेशन और सेरा जिम आप लिख सकते हो और होम का आप लोग खुद बताइएगा, क्योंकि अपने घर के आसपास जो भी आपके घर के आसपास लैंड है, जो भी आपके घर के आसपास लैंडमार्क है वो आप लोग दो इसमें लिखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है मैप्स, मैप्स मतलब होता है